नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर टेक पे। आज हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO/ARO की वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। आज हम लोग उसमें बात करेंगे कितनी एज चाहिए, कितनी फ़ीस है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या सिलेबस है, इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी जो आवेदन तिथि है, अप्लाई करने की डेट 17 अगस्त 2021 से शुरू है और लास्ट डेट इसकी 16 सितंबर 2021 है। इसमें फ़ीस के बारे में देख लें, RO और ARO दोनों की फ़ीस सेम है। जनरल OBC के लिए 800 रुपये है, SC/ST के लिए 600 रुपये पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद यदि आपको करेक्शन करना है तो उसके लिए भी कुछ समय दिया गया है, 18 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक। उसके बाद आगे हम लोग बात कर लें, इसका जो एग्ज़ाम होगा मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका। फिर आगे हम लोग बात करें इसमें क्या कितनी पोस्ट है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। RO की 46 यानी 46 पोस्ट है और ARO की असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 350 350 पोस्ट है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और उसमें देखिए कितनी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। इसमें तीन चीज़ें आपको चाहिए, एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो, चाहे ओ लेवल हो, CCC हो, या कंप्यूटर में कोई डिग्री कोर्स हो या डिप्लोमा हो, और तीसरी जो चीज़ है वो इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, जिसकी स्पीड मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और ये दोनों ARO और RO दोनों के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो जो तीन चीज़ें चाहिए वो दोनों में चाहिए, यानी दोनों के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन है। उसके बाद हम लोग बात करें इसमें किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। SC कैटेगरी में RO की 9 पोस्ट हैं, ARO की 73 पोस्ट हैं और ST में RO की 0 पोस्ट हैं और ARO की 7 पोस्ट हैं। OBC में 12 पोस्ट RO की हैं और 94 ARO की हैं। जनरल कैटेगरी में RO की पोस्ट 25 हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और ARO की जो पोस्ट है वो 176 है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके जो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात कर लें। इसकी जो एज है उसमें बारे में हम बात कर लें, 21 से 35 वर्ष की एज है। फिर इसका जो सिलेबस है उस पर डिस्कस कर लें, पेपर कितने होने हैं इस पर डिस्कस कर लें। इसके दो पेपर होने हैं, देखिए पहला पेपर मल्टीपल चॉइस का होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा। टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें 200 आएंगे, जिस 200 मार्क्स के होंगे, 200 नंबर के होंगे, और समय जो मिलेगा वो 3 घंटे मिलेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और ना तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है। और जो दूसरा पेपर होगा आपका वो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग का टेस्ट होगा, जो 50 नंबर का होगा और इसके लिए 20 मिनट आपको मिलेंगे। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का वो 25 नंबर है, यानी 50 में से आपको 25 नंबर लाने पड़ेंगे, यानी 25 नंबर अगर आप नहीं लाते हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे, यानी आप इसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। इसमें सिलेबस भी देख लीजिए, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीज़ें लगभग पूछी जाएंगी इसमें। तो इस पर आप लोग सिलेबस नोट कर लें क्या है। और जो सेम जो दो पेपर होने हैं वो ARO में भी होने हैं, लगभग दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। दो पेपर RO में और दो पेपर ARO में होने हैं, और इसमें जो दोनों पेपर होने हैं वो सेम डे होंगे, यानी एक पेपर आप देंगे 3 घंटे का, उसके बाद 15 मिनट का गैप मिलेगा और उसके जस्ट 15 मिनट बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जिसके लिए 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। देखिए कंप्यूटर टेस्ट में क्या जो सिलेबस है उसका क्या है, जो क्या पूछा जाएगा, कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग 500 वर्ड का आपको एक जो कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए जो एक पैराग्राफ टाइप या जो भी 500 वर्ड्स का है वो मैटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसको आपको सेम टू सेम आपको कंप्यूटर पे टाइप करना होगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक ही शिफ्ट में पेपर होंगे और 15 मिनट का गैप होगा। इसमें पेपर
जैसा कि हर पेपर में होता है, हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, लेकिन टाइपिंग आपकी इंग्लिश में होगी, सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में टाइपिंग नहीं होनी है। उसके बाद देख लें कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे टाइपिंग में। अगर हम एक मिस्टेक करते हैं टाइपिंग में तो 0.1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। इसी तरीके से अगर 10 गलतियां हमने कर दी, यानी एक नंबर हमारा कट जाएगा। इस तरीके से हमने इसकी पूरी डिटेल जान ली। अब आप सभी लोग इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नई जानकारी, कोई नई वैकेंसी के बारे में जानकारी हो तो आपको सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक यू दोस्तों।